इसको अगर कोई नहीं जानेगा तो इसका कपड़ा खुलता नहीं, ये आभूषण होता। तो इतने कपड़े सूरत ने पहन रखे, उस समय पर कोई बंधन नहीं था। सूरत यह बैठ गई माँ के पेट में, सब सुन रही है, सब देख रही है, कोई आंख बंद नहीं थी। जैसे ही 9 महीने का बच्चा पैदा हुआ तो आंख भी खुली, कान भी, सब बाजे सुन रही और सब देख रही है, चढ़ती चली जाती है, उसे रोक टोक नहीं है, चढ़ जाती है, किसको उतार दिया छोड़ दिया, फिर उसने लिंक को उतारा उसको छोड़ दिया, फिर उसने सूचक को उतारा छोड़ दिया, कारण को उतारा छोड़ दिया, चली जाती। और रोज दरबार में 7 लोग में हाजिरी थी, सब जितनी भी ये सुनते थी बात पर सब रोक जाती थी, उस समय जाने आने का कोई बंद नहीं। अब इनको कहा गया कि भाई तुम गंदगी ये अपनी छोड़ देना, गंदगी को पाक रखना वहीं। तो जो सुरते हैं यानी मतलब गंदगी छोड़ दी, सर से निकल गई, इनकी अवध रखी 1 लाख बरस, तो बहुत चली गई वापस, वो कम नहीं गई, बहुत गई। लेकिन जब ये मालूम हुआ कि सब चली जाएगी तो निरंजन भगवान ने पूछ, अब इनके लिए रोक टोक खड़ी कर, फौरन उन्होंने शक्तियां पैदा करके और उनका जन्म दिलवा दिया और उनको आदेश दे दिया कि जंगल में चले जाओ। घोर तो वो चले गए ब्रह्मा विष्णु महादेव और वहां 20,000 बरस तप किया। फिर उनको जब समाधि लगाई तो उनको देववाणी हो गई कि तुम चारों वेद विधान बना, बस यही से सब बंधन हो गया। ये कूड़ा कचड़ा ये सब पाप का पुण्य का अच्छे का बुरे का न्याय का न्याय सत्य सत्य सब ये पड़ेगा, क्योंकि उस समय तो आंख खुली थी, कान खुले थे, रास्ता कुछ बंद नहीं था, नाक भी खुली, जाते थे आते थे, बस इतना ही था कि जा रहे आ रहे अपना घोंसला देखेंगे। फौरन उतर के आई अपने घोंसले में आ गई, ये उनका घोंसला था पंचभौतिक के शरीर। लेकिन जब आवत पूरी होगी तब चले, तो फिर पीछे से ये झगड़ा लगा दिया। तो जब ये झगड़ा लगाया तो फिर गंदगी इसमें छन कर गए, कुछ तो सूची कारण लोक में चली गई जमा हो, कुछ सूचम लोक में गंदगी जमा हो गई, कुछ लिंग लोक में गंदगी जमा हो गई। जो बारी बारी अशुभ कर्म हुए वो मतलब ये कि शरीर में जमा, तो मन और बुद्धि और चित्त और ये सब गंदे हो गए, अंधाकरण गंदा हो गया। फिर वो जीवात्मा जो स्वच्छ और साफ बैठी हुई थी वो गंदी होने लगी। तो इस बार आपने कूड़ा कचरा डाल करके इसको गंदा कर, तो आँख भी बंद हो गई, कान भी बंद हो गए, नाक, क्योंकि ये तो वहां लेकर के आई थी, इस बार तो कोई पर्दा था नहीं, तो आंख पर, कान पर, नाक पर, इसमें तो सुधा ये चीज है, वहां भी रहेगी तब भी यही चीज है। तो जो चीज कुदरती है जिसको कोई बना नहीं सकता वो उसके अंदर आंख भी है, कान भी, नाक भी। अब गंदगी पड़ गई, बस यही सब बन जाता। आजादी दे दी, उसने कहा जो भी कोई कर्म करेगा मृत्यु लोक में वो अपने अपने कर्म का फल भोगेगा। अब वो पता ठिकाना तो हम भूल गए, अपने घर में आने का भाई किस रास्ते से जाएंगे, घर में पहुंचेंगे, अब यही पर लगे झगड़े में, बस यही पर बस अपना बस्ती बसाने लगे, इच्छा बसाने लगे, ममता करने लगे, आशा बांधने लगे, बस यही झगड़े। अब आपकी वो आशा खत्म हो गई, इच्छा खत्म हो गई कि अपने घर का कैसा आनंद है, कैसा सुख है, कैसी सुंदरता है, कैसी शक्ति है, कैसा ज्ञान हो। सही बात तो सही है कि ये आपका ये प्रदेश है, और देखो आप 50 वर्ष के हो गए, 60 वर्ष के, 70 वर्ष के, तो जाने, और ऐसे तो बच्चा आता है जब समय पूरा हो जाता है कर्मानुसार, तो 2 साल का भी चल दिया, 4 साल का भी, 10 साल। लेकिन अगर पूरी आयु आपको मिली है और संभाल के लिए चलोगे तो 50 भी जा सकते हो, 60 भी जा सकते हो और 80 भी जा सकते हो। संयम बिगाड़ दोगे तो पहले ही चले जाओ, क्योंकि सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी संयम बिगाड़ने से, तो पहले ही आओ, इस मकान से खाली कर दिया, चले जाओ। बस ये कर्मों का बंधन, जीव जो है इस बंधन में फंस गए। अब उसने और नीचे फिर सजाए, उनके कारागार बना दिए, तो जीवात्माओं को कहीं निकल ना जाए,
तो सजा देने लगे। अब वो चले गए, अब कब होगा। तो ये उनका काम यही था। और इन्होंने ऐसी ऐसी रचना की है स्वर्ग में की, इतनी सुंदर रचना। तो वहां पर मतलब ये है कि स्त्रियां भी है, पुरुष भी है, छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई देते। बहुत सुंदर रचना, बहुत खूबसूरत, यानी चित्रकारियों से ऐसी सुंदर है। वहां के लबास पहरावा, कपड़ा तो नहीं है रुई का या रेशमी, ये कपड़ा तो नहीं, लेकिन मालूम होता है कि ऐसा सुंदर कि वो जेवर वगैरह जो उसकी काशी सराव बेल बूटों का इतना सुंदर है कि वो मोहित हो जाए। ऐसा लबास स्त्रियां जो वहां की चमकीली है, यानी वस्त्रों को मालूम होता है पहरे हुए कितने चमकदार है कि तुम फौरन मोहित हो जाओ। वो अप्सराएं उतरी रहती है, नित्य नाच नृत्य होता रहता है। ये नाच आज क्या चीज है, कुछ नहीं, हर वक्त 24 घंटे हर क्षण नाच होते रहते, विचित्र भात के नाच। तो साधक के लिए तो अगर कोई बताने वाला नहीं तो उधर से आगे जा ही नहीं सकते, वो तो वहीं बस जाए। तो उसने ऐसा माया का जाल कि इससे बचो, यहां तो वहां लक्ष्मी है, सावित्री है और पार्वती, और वहां स्त्रियां दोनों तो घेर लेंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं रिद्धियां सिद्धियां सब घेर के खड़ी हो जाती हैं। तो बुद्धि का हरण प्रलोभन दे देंगे, बस आपकी साधना खत्म। ऊपर जाइए तो आध्याम आ सकती, उसका इतना बड़ा लोक है कि मतलब यह है कि कितने, मतलब यह है कि करोड़ों, कि 1, 2, 4, 10, 20 करोड़ नहीं, कितने करोड़ों का लंबा मैदान, उसमें औरतें होते स्त्री से जाल से निकालना बहुत। ये स्वर्ग वैकुंठ में कुछ नहीं है, जो आद्या मां शक्ति लोक में जो देवियां हैं, ऊपर में पुरुष है निरंजन भगवान विराज, वो काहे को जाने देंगे किसी को, उनके ऊपर में वो माया और सबको रोके रहती है। उसका भी माया रूप, स्त्री का रूप है वो भी, उसकी सुंदर का अनोखी विचित्र है, ऐसी सुंदर और मोहित करने वाली कि तुम्हारे ऐसे कितने, मतलब ये है कि सब फना हो गए, वो जा ही नहीं सकता। फिर उसके ऊपर में ब्रह्म है, उसका मतलब ये। तो चीज ये है कि अंदर का राज किसी को पता ही नहीं, वो जानते ही नहीं। और आप क्या, आपको मालूम है संसार में आप जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे, ये जीव बेचारा क्या कर, वही सूरत है जो हजारों लाखों करोड़ों ब्रह्मों की वो शक्ति और प्रकाश रखती थी, आज वो बूंद रूप से एक जर्रा एक कण उससे भी छोटी, हजारों गुणा कण के कर दी जाए उससे भी छोटी, वो मतलब ये है कि वो सूरत हो। और फिर उसका जो प्रकाश था वो सब इस जड़ में जैत हो गया, लय हो गया। अब बिना महात्मा महापुरुषों के इसको कोई समेट भी नहीं सकता, क्योंकि उनको मालूम है कि कहाँ बैठी है, उनको पता है इसमें क्या है, आंख भी है, कान भी है, नाक भी है, ये बरामद ये समेटी कैसे जाएगी, उधर से खींची किस तरह से जाएगी, प्रकाश समेट करके कैसे आएगा, ये उनको मालूम है। योगी योग करते रहे वो भी बेकार, उससे भी कोई लाभ नहीं। प्राणायाम किया नीचे से तो यहाँ आकर सामने आए, तो फिर यहाँ से ऊपर जाना तो मेहनत 60 बरस 70 बरस 80 बरस की बेकार हो गई, क्योंकि यही तक आना नीचे से फिर ऊपर जाना। अब संतों महात्माओं ने कलयुग में यही से जीवों को ऊपर उठा लिया, ये नाम की डोर को पकड़ो छो यही से, इसमें कोई तकलीफ नहीं, कोई प्राणायाम नहीं करता, कोई शारीरिक तकलीफ नहीं, कोई परित्याग नहीं, कोई मतलब है छोड़ना छाड़ना नहीं, बस अपना सहज जो भी शरीर रक्षा के लिए पहनते हो खाते हो खाते, उसमें कोई दिक्कत परेशानी। और सहज में इधर से अपना ध्यान तवज्जो हटाकर उधर लगा दो, इधर से पौधा उखाड़ो, इधर जो आपने ख्याल और ध्यान इधर आशा और बासा आपने इधर फैला रखी उसको हटा लीजिए, इधर लगा दीजिए, तो इतने में तो काम बनेगा। बुल्ला साहब थे, उन्होंने किसी ने पूछा कि आपने कैसे भगवान को पाया, कह ले अरे भाई क्या है,
इधर से जैसे मैं पौधा उखाड़ता हूँ और ये इधर लगाता हूँ जैसे धान, उसका पौधा इधर लगाया खेत में, कह लगे मैं इतनी देर में भगवान मिलता हूँ, इधर से ध्यान हटाओ इधर लगा दो, इतने बैठा। तो कलयुग में इसीलिए तो उन्होंने कहा कि कलयुग के समान कोई सरल सुलभ भगवान की प्राप्ति के लिए दूसरा जीवों के लिए आएगा, ये सुलभ जुग में। फिर इसमें महात्माओं का पदार्थ, ऊपर से सतपुरुष ने उन संतों को भेजा कि जाओ जीवों के लिए, जगा के चिता के समझा के प्यार करके हर तरह से उनके सब सुन के साफ सुथरी करके अच्छी तरह से उनको धोधा के ले आओ, और क्या हो तो प्यारी करते, प्यारी से बता सकते, दूसरा और कुछ नहीं, शक्ति नहीं, शक्ति तो कर सकते लेकिन वो शक्ति करेंगे तो बदनाम होगा। इनमें कालंक है तो उनमें दयाल है, कालंक का नाम निशान है तो शक्ति अति कुछ नहीं, प्यार कर तो प्यार में फंसा लेंगे, कहीं चलो मेरे पीछे पीछे चले आओ, तो ये जीव चला जाएगा, फिर किसी के बस की बात नहीं, फिर तो प्यार में उसको फिर सब बंधन टूट जाएंगे, चाहे जितने भी पाप लते हो उस पर वो सब धो दिए जाए, वो तो वहां धोने की नदी है, फॉर्म फोड़ दिया उसमें बस छटक बटक करके साफ। उधर गए तो उधर देखा क्या कौन जा रहा, वो धर्म जरा जगाती है बैठा हुआ है तो आवाज लगाई कि तलाशी दे दो, कैसे जा रहे हो, ये टिकट ये है टिकट, ये नाम तो कुछ है क्या देख लीजिए, वो देखा उनका चिता, जब कुछ झाड़ा लेगा क्योंकि वो तो घाट जगाती सबका झाड़ा लेता, जैसे वो डिटेक्टर लग जाता है कि तुम उधर जा रहे हो तो दिखाओ कुछ है तो नहीं तुम्हारे पास हथियार वगैरह कुछ बम बम, वो तलाशी लेते हैं तो सब जो जाता सब, ऐसे उधर कोई भी जाएगा सब चीज, जब कुछ नहीं निकलेगा कैसे कुछ नहीं कर सकते। तो आपने तो अभी मतलब ये है कि कहीं गोता लगाया ही नहीं, जाने नहीं।